वेलकम टू मॉन्क एंड परमाणु वर्कअप सेशन जून 29th। आज का सबसे पहला जो वर्ड है वो है डिफाइल। डिफाइल वर्ड का मतलब होता है मेक डर्टी और पोल्यूटेड, यानी कि दूषित करना, कुल मिला के दूषित करना। फ्रेश रिवर वाटर इज डिफाइल्ड बाय द केमिकल्स रिलीज्ड फ्रॉम फैक्ट्रीज, यानी कि फैक्ट्री से जो केमिकल निकल रहे हैं वो रिवर के अच्छे पानी को गंदा कर रहे हैं, तो डिफाइल का मतलब दूषित करना। सेकेंड जो वर्ड है वो अबैंडन। अबैंडन होता है टू लीव और रिनाउंस समवन और समथिंग, किसी भी चीज़ को या किसी भी पोजेशन को छोड़ देना या त्याग देना, रिनाउंस त्याग देना, लीव छोड़ देना, तो उसको हम बोलते हैं अबैंडन। पुअर मदर अबैंडन हर थर्ड गर्ल चाइल्ड, गरीबी के कारण उस औरत ने क्या किया, अपने तीसरे जो उसकी लड़की थी उसको छोड़ दिया, तो उसको हम बोलते हैं अबैंडन। थर्ड जो वर्ड है वो है ऐसे। ऐसे होता है एग्जामिनेशन और इवेल्युएशन, यानी कि जाँच पड़ताल करके गिनना और मूल्यांकन करना, जैसे कि मार्कशीट है, मार्कशीट में नंबर दिए जोड़े, तो उसको हम बोलते हैं ऐसे, यानी कि मूल्यांकन करना, वैल्यूएशन करना। आई डिड नॉट वॉन्ट टू ऐसे दीज डर्टी एग्जाम पेपर्स, मैं इन गंदे एग्जाम पेपर्स को का मूल्यांकन करना नहीं चाहता। फोर्थ जो वर्ड है वो है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल होता है हजारडस, हजारडस यानी कि डेडली, बेलफुल, हार्मफुल, यानी कि हानिकारक, जिससे खतरा हो, उसको हम बोलते हैं डेट्रीमेंटल। द पॉलिसी विल बी डेट्रीमेंटल टू द पीस ऑफ कंट्री, यानी कि ये जो पॉलिसी बनाई है ये देश की शांति के लिए खतरनाक है। फिफ्थ जो वर्ड है वो वर्ड है नेक्रोमेंसी। नेक्रोमेंसी होता है मैजिक और ब्लैक मैजिक, यानी कि जादू टोना। एक्ट ऑफ नेक्रोमेंसी इज़ वेरी फैमिलियर टू द ओल्ड विलेजर्स, यानी कि जो पुराने लोग हैं उनको ज़्यादा पता होता है इस जादू टोने के बारे में। सिक्स जो वर्ड है वो है लेविश। लेविश वर्ड का दो मतलब होते हैं, पहला मतलब वेस्टफुल और एक्स्ट्रावेगेंट, यानी कि अधिक खर्चीला, उसके लिए यूज़ करते हैं हम इसको, यानी कि वेस्टफुल और एक्स्ट्रावेगेंट, अधिक खर्चीला। सेकंड जो वर्ड है वो है जेनरस लग्जूरियस, यानी कि उदार व्यक्ति, रिच, सुपीरियर इन क्वालिटी और क्वांटिटी, यानी कि मात्रा में और क्वालिटी में। तो लेविश दो मतलब देता है, वेस्टफुल और एक्स्ट्रावेगेंट यानी कि अधिक खर्चा करना, और सेकंड जो मीनिंग है वो है जेनरस, लग्जूरियस, रिच, सुपीरियर इन क्वालिटी। सेवंथ जो वर्ड है वो हम देखते हैं अभी, सेवंथ वर्ड होगा इंडिजेंट। इंडिजेंट होता है पुअर, होमलेस एंड डेस्टिट्यूट, कि वो व्यक्ति जो गरीब है, जरूरतमंद है। उदार व्यक्ति, दूसरों की मदद करने के लिए जो तैयार रहे, उस तरह का व्यक्ति, बेनिफिशियंस यानी कि जो दूसरों की मदद कर सके। उदार तथा उदारता दिखाने वाला, ऐसा व्यक्ति या गुण जो दूसरों की रुपए देकर मदद करने के लिए तत्पर रहता है, उसको हम बोलते हैं। इट इज़ ए मिरेकल नोबडी वाज किल्ड इन द क्रैश, ये तो मिरेकल से कम थोड़ी ना हो सकता है कि अगर प्लेन क्रैश हो गया कोई मरे भी ना, दैट इज़ मिरेकल। एंड टेंथ जो वर्ड है वो है कैनरस। कैनरस होता है मेलेडियस यानी कि मधुर, और डुलक्ट भी मधुर होता है, बिल्कुल प्यारी आवाज़, ये आवाज़ के लिए यूज़ किया जाता है कैनरस। यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्टेड होगा, सभी को आकर्षित कर लिया किसने, उसकी मधुर आवाज़ ने।